हेलो दोस्तों, अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर दोस्तों छिटपुट बारिश होगी तो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर का प्रकोप। तापमान दोस्तों जो है लगभग 2 से 3 डिग्री तक आ गया है। यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों का मौसम जानते हैं तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए ना दोस्तों तो अपने यहाँ की मौसम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और वही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। कुछ जगहों पर छिटपुट तो कुछ जगहों पर जो है काफी ज्यादा जो है ठंड देखने को मिलने वाली है। और शीतलहर की स्थिति है दोस्तों, कई जगहों पर तो जो है काफी ज्यादा जो है बर्फ जमा देने वाली सर्दी अभी से जो है देखने को मिल रही है। और दोस्तों कई जगहों पर तो जो छिटपुट बारिश के भी अनुमान है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को छोड़कर सभी जिलों में जो रात में पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया। जी हाँ दोस्तों, तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और जिन 10 जिलों में दोस्तों जो रहा ना, वो मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर और इसके आसपास पहुंच चुका है, इसके कारण जो है ऊंचाई वाले बादल छाए लगने हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि काफी ज्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले 1 से 2 दिनों में रात के तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जिसके कारण अगले 48 घंटों में बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों साथ ही एक संभावना है कि कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि एक जगह पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जिसके कारण अगले 48 घंटों में काफी ज्यादा जो है बादल आए रहने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से काफी ज्यादा तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। तो वही 2 दिन के इसमें जो है दोबारा उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है। बीते दिन दोस्तों ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया था। और पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि रीवा, सतना, सागर और छतरपुर में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। और 24 से 48 घंटों के दौरान कई हिस्सों में जोरदार ठंड पड़ने की आशंका जताई गई है। कई जगहों पर दोस्तों पाला भी पड़ सकता है, इसलिए मौसम विभाग का कहना है कि लोग ठंडी हवाओं के अधिक संपर्क से बचे। और दोस्तों एक नजर तापमान पर डाले तो रीवा में सबसे कम 4.0 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रात को रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में 4.3, नौगांव में 4.5, खजुरा में 5, दतिया में 5.0 डिग्री सेल्सियस, रायसेन में 5.2, मंडला में 5.3, शाजापुर में 5.6 और जबलपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि काफी ज्यादा जगहों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और रात में आपको बता दूं भोपाल 7 में जो है कई जगह पर जो है भारी से भारी ठंड का अनुमान है। और राज्य के कई जिलों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और अगले 24 घंटों में भी मिलेगा। रीवा, उमरिया, जबलपुर जिलों में खास तौर पर शीतलहर चल रही है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में जो है शहडोल संभाग के जिलों और साथ में रीवा, पन्ना, छतरपुर में शीतलहर चलेगी। वही दोस्तों सीधी और जो है नरसिंहपुर जिले में ठंड बरकरार रहेगी और यहाँ भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो जो है बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर एक पश्चिम विक्षोभ ऊपरी हवा के साथ जो है चक्रवात के रूप में है, इसके प्रभाव से हवा का रुख उत्तर पूर्वी हो रहा है और इससे जो है ऊंचाई पर बादल आने की जो है सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दिन के तापमान में विशेष असर नहीं होगा, लेकिन रात के तापमान में काफी ज्यादा जगहों पर बढ़ोतरी होने लगी है। इससे ठंड में काफी ज्यादा मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान से फिर एक बार गिरावट दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कड़ाके की सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है अगले 24 घंटों में। और एक पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत में दाखिल हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान, इसके प्रभाव से विदर्भ में एक प्रति चक्रवात बनने के संकेत है। इसकी वजह से दोस्तों जो है कई जगहों पर ठंड जो है थोड़ी बढ़ेगी और कई जगहों पर ठंड में थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि मौसम और भी मस्त होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरा मध्य प्रदेश पूरा ठिठुर रहा है ठंड से। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं की वजह से जो है कई जगहों पर जो है भारी से भारी ठंड का अनुमान है। और दोस्तों सिवनी को छोड़ दिया तो बाकी सभी जगहों पर बहुत ही ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों उमरिया, रीवा और साथ में नौगांव, खजुरा और दतिया, रायसेन, मंडला, जबलपुर, इन जगहों पर भारी से भारी 6 से भी नीचे तापमान चला गया है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर उज्जैन में काफी ज्यादा कोल्ड मौसम देखा गया है। जबलपुर में, उमरिया में, रीवा में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फरनगर और रीवा में भी भारी से भारी ठंड देखी गई। आपको बता दोस्तों जो है देश के लगभग सभी राज्यों में मौसम बदल रहा है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश में भारी ठंड का कहर जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और मध्य प्रदेश में भी जो है काफी ज्यादा ठंडक देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में प्रचंड रूप से ठंड, भोपाल में भी काफी ज्यादा जो है सर्दी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः जो है सब
से काफी ज्यादा ठंडा रहा और अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम विभाग ने जो है कुछ जिलों में शीतलहर के चलते एक जो है येलो अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, येलो अलर्ट में ग्वालियर, चंबल, शहडोल, रीवा, सतना, सागर और छतरपुर में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा जो है आपको बता दूं, दतिया, भिंड, उमरिया में और पाला गिरने की संभावना। और बात करूं आपको प्रमुख शहरों की, तो भोपाल में अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कम से कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। भोपाल में इंदौर में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस चला गया। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस चला गया। जबलपुर में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस चला गया। और दोस्तों आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगी। ग्वालियर, सागर और साथ में जो है सागर के साथ शहडोल, उज्जैन और भोपाल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से काफी कम और बाकी के जिलों में जो है सामान्य रहा। और जो है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है दर्ज किया जा रहा था। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान काफी ज्यादा जो है थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 48 घंटों के बाद उछाल आने की संभावना और शीतलहर से भी जो है जल्द ही राहत मिलेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद जो है स्थिति सामान्य हो सकती है और ठंड का असर भी काफी ज्यादा होने का और बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में भारी से भारी ठंड का अनुमान देखने को मिल सकता है। उमरिया, ग्वालियर, रीवा, नौगांव, दतिया, रायसेन, खजुरा, मंडला, इन जगहों पर तो भारी से भारी रात को तापमान जो है ठंडा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और सर्द हवाएं भी चल रही है कई जगहों पर, जो है भारी से भारी जो है बर्फ जमा देने वाली ठंडक जो है महसूस की जा रही है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिस जिले की जो है कमेंट सबसे ज्यादा आएगी उस जिले का मौसम जो हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बता सकेंगे। इसलिए आप जो है कमेंट जरूर करना कि आप कौन से गाँव या जिला जरूर बताना। दोस्तों जिले बहुत ही बताना जरूरी है। और वहीं दोस्तों एक एक जिले की बात करें मध्य प्रदेश की, तो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में काफी अच्छा मौसम देखने को मिलने वाला अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है उज्जैन में जो है भारी मौसम में बदलाव देखने को मिला। रात के समय उज्जैन में 8 डिग्री मौसम आ जाता है और जो है दिन के समय 24 के करीब रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी काफी अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। भोपाल में रात के समय 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और 24 तक जो है दिन में चला जाता है। खंडवा में दोस्तों रात के समय जो है काफी कम, यानी कि लगभग 9 के करीब रिकॉर्ड किया जाता है। और अभी भी जो है खंडवा में काफी ज्यादा जगहों पर जो है भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों देवास की, तो देवास में रात को 9 के करीब तापमान जाता है, दिन में 24 के करीब जाता है। और बताया जा रहा है कि राजगढ़ मध्य प्रदेश में भी भारी ठंड का प्रकोप है, 25 के करीब दिन में तापमान जाता है, रात में 8-9 के करीब। शाजापुर में भी दोस्तों भारी से भारी ठंड का प्रकोप है और शाजापुर में भी रात के समय जो है लगभग 9 और दिन के समय लगभग 224 के करीब तापमान चला जाता है। और सीहोर मध्य प्रदेश की बात करें तो रात के समय 9 डिग्री सेल्सियस और 25 जो है सीहोर में जो है रात के समय 8-9 और जो है दिन के समय 25-26 चला जाता है। रायसेन में भी सेम वैसा ही है, छिंदौड़ा में भी 9 के करीब रात को तापमान चला जाता है। इंदौर में दोस्तों तेज हवाएं चलने के अनुमान है। भोपाल में भी बादल छाए हैं लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग जो है पूरे 1 सप्ताह तक भारी से भारी ठंड रहेगी। और इसी बीच दोस्तों आपको बता दो आने वाले जो है काफी ज्यादा दिनों तक जो है भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो है लगातार जारी रहने वाला है। और मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबूंदी भी होने के अनुमान है कुछ जगहों पर, लेकिन दोस्तों बूंदाबूंदी से ज्यादा ठंड काफी ज्यादा बढ़ने वाली अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी से भारी ठंड बढ़ने के अनुमान है। तो दोस्तों आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना। वहीं आपको बता दोस्तों जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया ना उसमें दोस्तों जो है सागर, गुना, नौगांव, खजुरा और फुहारे पड़ी थोड़ी बहुत यहां पर। और मौसम विभाग के मतलब भोपाल में भी जो है काफी ज्यादा जगहों पर भारी ठंड का अनुमान जताया जा रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से भारी जो है ठंड देखने को मिलने वाली है मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में। तो दोस्तों यह था आज का मध्य प्रदेश का मौसम सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।